बेबी की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो आज है इंडिपेंडेंस डे और हम कैसे घर पे रह सकते थे, आज होती है छुट्टी, तो हमने प्लान किया कि अभी हम चेक करते कि पुणे में सबसे टॉलेस्ट फ्लैग होस्टिंग जो होता है वो कहाँ पे होता है। तो हमको पता चला कि पुणे में कात्रज लेक के पास इंडियाज फिफ्थ टॉलेस्ट फ्लैग पोल है और वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होती है, जो कि है 72 मीटर्स हाइट का पोल, फ्लैग पोल। तो वहीं पे हम जा रहे हैं आज फ्लैग होस्टिंग देखने और सेलिब्रेट करने इंडिपेंडेंस डे। एवी, आपका क्या थिंकिंग है, आप क्या बोलना चाहते हो? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और लास्ट ईयर का कुछ व्लॉग्स हमने देखा था कात्रज लेक का फ्लैग होस्टिंग का, तो बहुत अच्छा लगा। तो आज हम भी वो खुद से एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं और अपने वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। सो आप भी वीडियो देखना, वीडियो में बने रहना। और लास्ट ईयर हमने अपने सोसाइटी का जो सेलिब्रेशन था वो शेयर किया था, वो रिपब्लिक डे का। हाँ, रिपब्लिक डे का। रिपब्लिक डे के पहले भी 15 अगस्त का नहीं किए? नहीं, हमने सितंबर से स्टार्टिंग किया ब्लॉगिंग। तो इस बार हमने सोसाइटी का मतलब सेलिब्रेशन नहीं हम देख पाएंगे, हम इस बार प्लान किए कात्रज लेक के पास। वैसे हमारे सोसाइटी में 9:45 का टाइम है, तो लेट्स सी कात्रज लेक में कितना बजे होता है और हम अगर टाइम पे अपना सोसाइटी पहुंच पाए तो वो भी फ्लैग होस्टिंग हम कवर करेंगे। हाँ, क्योंकि हमारे घर से कात्रज लेक ऑलमोस्ट 1 आवर है, तो पता नहीं अभी वहाँ पे क्या टाइमिंग है एग्जैक्टली, हम लोग को टाइम का पता नहीं है, बट हम अप्रॉक्स सोच के चल रहे हैं कि मतलब 9 और 9:30 तक वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हो जाएगा, बट फिर भी शायद हम टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे चैनल पे और देखिए फ्लैग होस्टिंग का सेलिब्रेशन कात्रज लेक के पास पुणे में सबसे अच्छा कहाँ पे होता है। हेलो गाइस, सो मैं फिर से आ गई हूँ कुछ बातें करने आप लोगों से। सो हम अच्छे अच्छे पुराने जो भी इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे के गाने होते हैं वो सुनते जा रहे थे, तभी मुझे बहुत सारे बच्चे जो स्कूल जा रहे थे फ्लैग होस्टिंग के लिए उनको देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। हम कैसे रेडी होते थे, हम कैसे जाते थे, अपने शूज़ अपने सब कुछ साफ करते थे एक दो दिन पहले से, और पूरा मतलब एक्साइटमेंट के साथ हम सेलिब्रेशन करते थे। बट कुछ लोग ऐसे हैं, मैं बाद में आऊँगी उस पर, लेकिन पहले ये सोच लो कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में सेलिब्रेशन होता है उनके, और वो नहीं जाते हैं ना, तो जाओ, मैं बस इतना ही बोलूँगी जाओ, क्योंकि टाइम ऐसे है ना चिड़िया की तरह ना उड़ जाता है और फिर वो वापस नहीं आता, हम वेट करते रहते। आज देखो हम ढूंढ रहे कि कहाँ पे हम जाएं इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन देखने, और उस टाइम जब हमारे खुद के स्कूल में होता था तो हम सोचते थे कि नहीं आज छुट्टी मार देते हैं, आज जाते नहीं है, इतना तो ज़रूरी है नहीं, टीचर तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं, तो ये था। बट मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, कुछ लोगों के साथ हुआ है ऐसा, मेरे साथ ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं हर इंडिपेंडेंस डे, हर रिपब्लिक डे पे मैंने सिंगिंग का मतलब जो मेरा था मैंने कंट्रीब्यूशन किया है, मैं गाना गाती थी अपने स्कूल में, अपने स्कूल के साइड से बाहर भी जाती थी गाने के लिए। सो मेरा तो हमेशा ही प्रोग्राम रहता था स्कूल में, कुछ ना कुछ में तो मैं रहती थी, स्पेशली गाने के लिए मुझे हमेशा ही चुना जाता था, तो मेरा तो फिक्स ही रहता था कि मैं जाती ही जाती थी। लेकिन कुछ लोगों का था कि वो बंक मारते थे। बंक नहीं मारते थे, जब मेरा बिल्डिंग था वहाँ उसमें भी ये होता था फ्लैग कुछ नहीं, सोते होंगे। आपको लगता है कि बिल्डिंग में होता होगा और ये जाते होंगे, ये सोते होंगे, मुझे मैं पूरा मतलब डैम श्योर कि तुम सोते होंगे। बिल्कुल नहीं। और लेकिन मैं यही बोलूंगी कि बच्चों, जो भी बच्चे भी अगर देख रहे हैं हमारा ब्लॉग, तो आप प्लीज जाओ, स्कूल जाओ, क्योंकि स्कूल वाला टाइम कभी वापस नहीं आता। सो फ्रेंड्स, हम फाइनली कात्रज लेक पहुंच गए और वहां पहुंचते ही एक भाई ने तो हमें डरा ही दिया, बिकॉज हमने उनसे पूछा कात्रज लेक का जो फ्लैग होस्टिंग है वो कहाँ पे होता है, तो उन्होंने बोला वो हो गया, 8 बजे ही हो गया। तो ऐसा मतलब ऐसा होता नहीं है, बिकॉज 9 बजे सुबह का टाइम रहता है, उसके बाद ही आप मतलब फ्लैग होस्टिंग कर सकते हो। बट फिर भी हमने डिसाइड किया कि हम खुद जाके देखेंगे, और जब वहाँ पहुँचे तो भीड़ लगा हुआ था एंड फ्लैग होस्टिंग का प्रेपरेशन हो रहा था। हम भी कात्रज लेक फर्स्ट टाइम ही आए हैं और लेक बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, एंड यहाँ से आप देख सकते हो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू आपको क्लियरली दिखेगा।
और जैसे जैसे हम फ्लैग पोल के पास पहुंच रहे थे तो भीड़ बढ़ते जा रहा था, और फाइनली जब हम वहां पहुंचते हैं तो मतलब हजारों का भीड़ था, कम से कम 10,000 लोग होंगे वहां पे जो फ्लैग होस्टिंग देखने आए थे। एंड मैं पर्सनली इतना बड़ा क्राउड में कभी भी मतलब मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया वो एटमॉस्फेयर, बट आज यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड लास्ट ईयर का जो कुछ व्लॉग्स हमने देखा था कात्रज लेक फ्लैग होस्टिंग का, तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है यहाँ के बारे में तो एवरी ईयर भीड़ और बढ़ते जा रहा है। और फ्लैग पोल का जो हाइट जैसे हमने बताया था 72 मीटर्स, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 236 फीट, एंड इतना ऊपर अपना नेशनल फ्लैग को जाते हुए देखना एक बहुत बहुत ही अलग एक्सपीरियंस, बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस था हमारे लिए। जैसे कि आरपी ने वीडियो में पहले बताया कि मैं अपने स्कूल डेज में फ्लैग होस्टिंग में नहीं जा पाता था, और उस टाइम तो मुझे मतलब उतना रियलाइज़ नहीं होता था, बट ऑनेस्टली आज जब मैं यहाँ आया और इतने लोगों को एक संग देखा अपने इंडियन फ्लैग को रिस्पेक्ट देते हुए, अपने कंट्री को रिस्पेक्ट देते हुए, तो अभी मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने कितना कुछ मिस किया है। एंड मैं सबसे यही कहूँगा कि आपको जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले, अगर आप स्कूल में हो तो वहाँ, अगर फ्लैग होस्टिंग होता है आप वहाँ जाओ, अगर आपके ऑफिस में अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है तो आप वहाँ जाओ। ये फ्लैग होस्टिंग आप कभी भी मिस मत करो, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, आप जहाँ कहीं भी हो फ्लैग होस्टिंग प्लीज़ अटेंड करो। यहाँ इतने सारे लोग एक साथ वंदे मातरम कहते हैं, भारत माता का जयकार लगाते हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एक साथ हमारा नेशनल एंथम गाते हैं, तो ये एक्सपीरियंस यार और कभी नहीं मिल सकता है। अभी आप आगे देखोगे कि हमारे इंडियन फ्लैग को जब क्रेन का हेल्प से ऊपर ले जाना स्टार्ट होता है तो जितने भी लोग थे वहाँ वो एकदम पागल हो गए थे, इतना ज़ोर से सब चिल्ला रहे थे। मैंने थोड़ा सा मतलब ऑडियो, जो लाइव ऑडियो है वो मैंने आगे रखा है तो आप सुन सकते हो। Thank you.
लिए कहिए कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद। रेशम का हो मधुशाला, या
कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। खूप आनंद वाटतोय की चला आपली सोसायटी जागृत आहे। आज 11th hour बाकीचे कार्यक्रम ठेवलेत, अजून बरेच नॉमिनेशन येतात आहे, पण आज आपण इथंच थांबणार आहेत। त्यांचे पार्टिसिपेंट करतील, ज्यांना ऐकायचं असेल ते ऐकतील। देखो मेरा जन्म तो आजादी से पहले हुआ है, 1942 में, लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को जब गांव गांव में थोड़ी सी मुट्ठी भर शक्कर ले दी गई तो मेरे लिए उसका मस्जिद बहुत ही बहुत शौक है। मेरे लिए वो सबसे अच्छा और आनंद स्थान है। उसके बाद तो देश की प्रगति होती गई थोड़ी स्लो हुई, लेकिन आजकल तो बहुत हम दुनिया के पूरे विश्व में इंडिया का नाम लेके जा रहे हैं। मैं भी देश के बाहर थी 11 साल, लेकिन सभी को इंडिया बोलो तो बोलते गाँव गाँव में गाय बैठी है, घर में सांप आते हैं, ऐसी बातें होती थी। आजकल बोलते इंडिया में इसमें नासा में भी बहुत से साइंटिस्ट इंडियन है, वन ऑफ माई सन ऑल्सो नासा से। तो अभी बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं है हम लोग की आगे के लिए आपको इससे ज़्यादा अच्छा बनाना है। आज़ादी मतलब खुली करो, सिग्नल करो, दो सफाई नहीं करो, आओ उधर से पूरे ये फेंक दो, ये मतलब नहीं है। हम सबको ऐसे थोड़ा सा सहयोग करो तो हम बहुत प्राउडली कर सकते हैं दुनिया में, हम भारत देश हमारा वो ऐसे नारा दे सकते हैं दुनिया में सबसे अच्छा देश हमारा। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, हम फाइनली घर आ गए हैं और बारिश भी हो गया था, आप देख सकते हो हम भीग गए हैं। किस हालत में है आप देख सकते हो, बारिश भी एकदम अच्छा मस्त झमाझम बारिश हुआ है, बहुत तेज वाला। सो आप वीडियो में देखे होंगे कि हम कात्रज वाले जो फ्लैग होस्टिंग था वहाँ पे गए, उसके बाद फिर वहाँ से रिटर्न होके हमने मतलब सोसाइटी का भी चाह अटेंड करना, बट थोड़ा देर के लिए आई थिंक दो मिनट हम लेट थे, तो फ्लैग होस्टिंग हो गया था, बट उसके बाद का जितना भी मतलब जो ऑर्गेनाइज किया हुआ था राष्ट्रगान का सब कुछ में प्रेजेंट थे। तो और थोड़ा सोसाइटी का सेलिब्रेशन भी हुआ, मतलब अच्छे से सबने परफॉर्मेंस भी दिया, जो सोसाइटी के लोग थे, बच्चे, सब लोगों ने थोड़ा गाना गाया, डांस किया।
फिर हमें समोसे भी मिले और समोसे के साथ बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा भी मिला, बच्चों को चिप्स और मिठाई और समोसे भी थे और हमारे लिए मिठाई और समोसे थे जो मैंने लिया, ये भी नहीं लिया, हेल्थ कॉन्शियस। और पूरा रास्ता आरपी यही बोल रही थी कि जल्दी चला, मतलब 200 के स्पीड में लाइए, कि बिकॉज उसको समोसा चाहिए था, उसको पता था सोसाइटी में समोसा मिलने वाला है, इसलिए एकदम रश, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी, ये ऐसे में आया हूँ घर। नहीं गाइस, ये कुछ भी बोलता है, एक्चुअली हम जाने टाइम भी नाश्ता नहीं किए थे, तो हमने समोसा ही ब्रेकफास्ट में भी लिया था जो अभी भी पड़ा हुआ है, तो कोई खाने वाला नहीं है। और वो समोसा जो मुझे मिला वो भी मुझे अभी तक नहीं मेरे हाथ में आया है, क्योंकि मैंने इनको रखने के लिए दिया था। और मैंने कोई चेयर पे रख दिया फिर वहां से। तो उसके बाद फिर हम थोड़ा शूटिंग के लिए गए थे थोड़ा बाहर में, कि मतलब थोड़ा वीडियोस बना सके, रील्स बना सके। और उसके बाद वहां पे हम दोनों बहुत ज़्यादा भीग गए हैं और अब हम घर आ चुके हैं। सो फाइनली हमारा जो फ्लैग होस्टिंग इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन था वो कंप्लीट हुआ इस वीडियो के साथ। आप देखो और इन्जॉय करो वीडियो, और हमारे वीडियोस को ऐसे ही लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। सो आज के वीडियो में, आज के इस इंडिपेंडेंस डे व्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट कुछ भी अभी क्या कंटेंट रहता है, कुकिंग का रहता है, घूमने का रहता है क्या, वो तो आप में हमारे ब्लॉग के साथ बने रहोगे तो ज़रूर देखोगे। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, आप लोग अच्छे से रहिए, ख्याल रखिए, एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बाय बाय। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे ज़िंदगी।